दोस्तों, ये बात तो आप भी मानते होंगे कि कई बार आप अपने पैसे उन चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जहां आपको पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। इस गलती की वजह से कई बार आपको बहुत सारे पैसे का नुकसान हो जाता है और बाद में आप अफसोस करते हैं कि काश हमने वो पैसे खर्च ना करे होते। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नियम बताऊंगा जिसको अपनाने के बाद आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खरीदोगे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है और आप अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाओगे। देखिए दोस्तों, आपको करना सिर्फ इतना है कि आप जो भी चीज़ खरीदना चाहते हैं उसको आप आज खरीदने के बजाय एक महीने बाद खरीदने का प्लान करिए। आप उस सामान को खरीदने के लिए पैसे निकाल कर अलग रख दो और एक महीने का इंतजार कर लो। अगर आप एक महीने तक उस सामान को नहीं खरीदते और आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता तो यकीन जानिए आपको उस सामान को खरीदने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ऐसे हालात में आप उस सामान को मत खरीदिए और अपने पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट में लगा दीजिए ताकि आपके पैसे बढ़ सकें। दूसरी तरफ, अगर आपका काम उस सामान को खरीदे बगैर 2 दिन भी नहीं चल सकता तो फिर वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और तब आपको उस चीज़ को खरीदने के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल भी देना चाहूंगा जिनको खरीदने के पहले इस नियम को जरूर ध्यान रखना चाहिए। जब आप अपना फोन बदल रहे हो तो इस नियम को याद रखिए। जब आप कोई महंगा इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल खरीद रहे हैं तो इसको ध्यान रखिए। गाड़ी बदल रहे हो तो इसको ध्यान रखिए। अगर आप जरूरत से ज्यादा महंगे कपड़े खरीदने वाले हैं तो इसका ध्यान रखिए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको सिर्फ सलाह दे सकता हूँ, इस पर अमल करना और ना करना आपकी मर्जी है। पैसे खर्च आपके होंगे और बचेंगे भी आप ही के पैसे। तो जब भी आप कुछ खरीदें अपने आप को एक महीने का वक्त दीजिए। अगर आप उस सामान के बिना एक महीना अच्छी तरह से चला सकते हैं तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी भी अच्छी तरह से चला सकते हैं और यही आज का 1 मिनट विजडम है। मुझे अपनी राय कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।